विजयश्री जो रंगमंच है इसको भी तैयार किया जा रहा है, रंग रोगन यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल आप यहाँ पर ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहीं पर रावण को खड़ा किया जाएगा, और जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रावण का मुकुटा है, काफी बड़ा मुकुटा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय दशहरा मेला अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, और इस बार का जो राष्ट्रीय दशहरा मेला है अलग ही अंदाज में भरने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर विजयश्री रंगमंच के जस्ट सामने। यहाँ पर पीछे तैयारियाँ चल रही है, अभी यहाँ पर जो रंगमंच है उसका जो रंग रोगन वगैरह है वो किया जा रहा है। और साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो टेंट वगैरह हैं, यहाँ पर जो प्रगति मैदान की तर्ज पर जो दशहरा मैदान यहाँ पर बनाया हुआ है कोटा का, तो उसको यहाँ पर रंग रोगन किया जा रहा है। और पीछे मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पर रावण की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही है, क्योंकि कोटा का दशहरा मेला अपने परवान पर चढ़ता है रावण दहन के बाद में। तो मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलूँगा कि किस तरीके की जो तैयारियाँ हैं अभी यहाँ पर रावण बनाने को लेकर के चल रही है, और कितना जो है रावण यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो रावण यहाँ पर बन रहा है, और कौन कौन से झूले हैं यहाँ पर जो दशहरा मैदान में फिलहाल आ चुके हैं, और किस तरीके की जो तैयारियाँ यहाँ पर अभी फिलहाल दशहरा मैदान में चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजयश्री जो रंगमंच है इसको भी तैयार किया जा रहा है, रंग रोगन यहाँ पर किया जा रहा है। और जो ये नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय दशहरा मेला 2024 लिखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं आप देख सकते हैं किस तरीके की जो तैयारियाँ हैं फिलहाल यहाँ पर कोटा दशहरा मेले को लेकर के की जा रही है। और इस बार जो कोटा दशहरा मेला है काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर भरने वाला है। फिलहाल ये पूरा यहाँ पर परिसर है कोटा दशहरा मेले का, और यहीं पर जो दर्शक हैं बैठते हैं और कार्यक्रम का जो आनंद वगैरह है वो लेते हैं। और जो रावण दहन होगा, तो फिलहाल आप यहाँ पर ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहीं पर रावण को खड़ा किया जाएगा, और उसके बाद में रावण दहन होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको लेकर के आ चुका हूँ जहाँ पर जो रावण है वो तैयार किया जा रहा है। और ये पीछे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बांस का स्ट्रक्चर है फिलहाल बनाया हुआ है, जो कि कुर्ता होता है रावण का, तो फिलहाल यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। अंदर आपको लेकर के चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ किस तरीके का जो व्यू है हमें यहाँ पर रावण का भी देखने को मिलता है। फिलहाल आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये बांस का जो स्ट्रक्चर अभी फिलहाल बनाया हुआ है, ये जो रावण होता है रावण का आगे का जो कुर्ता होता है तो वो सेप है। और इस बार का जो रावण बनेगा काफ़ी भव्य तरीके से बनने वाला है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की जो तैयारियाँ हैं यहाँ पर इस डोम में चल रही है। और ये जो अभी बाहर का जो व्यू आप देख रहे हैं ये व्यू है जो मुकुट बनता है रावण का, तो उसका व्यू है यहाँ पर। और अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो कारीगर वगैरह हैं लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा और भव्य तरीके से जो रावण है इस बार बनने वाला है। और ये आप नीचे देखेंगे तो ये जो स्पेस मतलब जो जगह देख रहे हैं आप, ये जूतियाँ हैं रावण की, जूतियाँ यहाँ पर लगभग तैयार हो चुकी है बड़ी। और उधर देखेंगे आप सामने तो उधर छोटी जो जूतियाँ हैं आपको देखने को मिलेगी जो मेघनाथ और कुंभकर्ण की होती है। और इधर का जो ये आप एरिया देख रहे हैं सामने, ये मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो धड़ होता है वो फिलहाल यहाँ पर रखा हुआ है, जूतियाँ यहाँ पर है। और ये जो बड़ा विशाल का आप अभी देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये रावण का है, क्योंकि इस बार का जो रावण है वो 80 फीट का बनने वाला है। पिछले साल लगभग 70 से 75 फीट का जो रावण था वो बनकर तैयार हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभी लोग हैं यहाँ पर इस रावण को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार का रावण आपको मतलब काफ़ी भव्य देखने को मिलेगा। साथ में 80 फीट का जो रावण है इस बार कोटा का रहने वाला है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बांस से तैयार होता है, उसके बाद में जो लुगदी वगैरह लगा करके और साथ में जो पेपर वगैरह लगा करके सारा कुछ जो रावण है यहाँ पर तैयार किया जाता है। और ये ऊपर का हिस्सा है, सामने आप देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा है जो मुकुट होता है, ये मुकुट वाला हिस्सा है। पीछे आप देखेंगे तो वो भी एक जो धड़ होता है वो वाला हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। इधर भी आप देखेंगे तो ये अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब ये पूरे तरीके से यहाँ पर रेडी होकर के तैयार हो जाएगा तब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और ये जो अभी आप पीछे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हाथ का जो शेप जिस तरीके से होता है कर्व शेप में, तो कर्व शेप में यहाँ पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए इधर पूरा यहाँ पर ये जो डोम है वाटरप्रूफ बनाया हुआ है, और वाटरप्रूफ डोम में यहाँ पर जो रावण है ये तैयार किया जा रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो पेपर वगैरह लगा करके और यहाँ पर इस शेप को यहाँ पर तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप भाई लोग देख सकते हैं अभी ये जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उनका जो मुख है यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभी
ले जा करके और सेट कर रहे हैं। इस पर पेपर वगैरह जो है लगा दिया गया है। उधर भी आप देखेंगे तो उधर भी एक यहाँ पर जो फेस है रखा हुआ है और काफ़ी शांति से और आरामदायक तरीके से इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है, पेपर होता है, वो कहीं फट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, इस कारण से इसको आराम से वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर व्यू देख सकते हैं, लाइव कोटा दशहरा मेला जो कि इस बार काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर लगने वाला है, भरने वाला है। और काफ़ी सारा जो काम है फिलहाल यहाँ पर ये अभी चल रहा है। इधर आप देखेंगे, थोड़ा मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर काफ़ी सारे जो रावण को बनाने वाले सोलगर हैं, कारीगर हैं, यहाँ पर बनाने में जुटे हुए हैं। और इस बार का जो रावण है थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं इधर। यहाँ पर ये ऊपर का मुखौटा है जो लगभग अभी तैयार होने में है। तो लगभग जो रावण दहन है 12 तारीख को है और 11 तारीख को जो रावण है कुल मिलाकर के रेडी होकर के तैयार हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे जो कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रावण का मुकुटा है, काफ़ी बड़ा मुकुटा है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, जो पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, मतलब लकड़ी का, उसके ऊपर पहले यहाँ पर पेपर लगाया जाता है और उस पेपर के ऊपर से वाइट पेपर यहाँ पर लगाया जाता है। वाइट पेपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके ऊपर से कलर करना होता है, क्योंकि कलर करेंगे तो अच्छा दिखेगा लुकिंग में। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अभी वाइट पेपर फिलहाल लगाया जा रहा है। इधर भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ा हिस्सा है यहाँ पर रावण का। उधर आप देखेंगे तो सामने जूतियाँ रखी हुई है और इधर भी देखिए यहाँ पर जूतियाँ वगैरह वो फिलहाल तैयार करके रखी हुई है। और ये हाथ वाला छत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिलहाल दोस्तों मैंने आप पर आपको जो रावण है वो दिखा दिया है, किस तरीके से फिलहाल जो रावण की प्रोसेस है बनने की वो चल रही है। तो लगभग मैं मानता हूँ कि 25% जो काम है रावण बनाने का फिलहाल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, मतलब तैयार हो चुका है रावण। और कुछ जो प्रोसेस अभी बाकी है तो फिलहाल मैं आपको मेला परिसर में लेकर के चलता हूँ और वहाँ का जो नज़ारा दिखाऊँगा, किस तरीके के जो झूले हैं फिलहाल यहाँ पर कोटा दशहरा मेले में आ चुके हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ यहाँ पर जो झूला मार्केट होता है पूरा। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो झूले वगैरह हैं अभी जो रेडी किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर झूला मार्केट रहता है। और इसके बाद में जो फूड जोन वगैरह है वो बनाया जाता है। और इस बार का जो फूड जोन बनेगा वो मतलब उसका जो नाम वगैरह है वो भी अलग रहेगा, मतलब साथ में जो एंट्रेंस द्वार आएंगे तो उन द्वारों के नाम भी जो रामायण के पात्र हैं उनकी तरफ पे यहाँ पर रखा जाएगा। वो आपको मैं एक सेपरेट व्लॉग में दिखाऊंगा किस तरीके से जो गेट हैं बनाए जा रहे हैं और उनके जो नाम वगैरह किस तरीके से वहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो सीधा मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ पीछे वहाँ पर झूला मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो झूले वगैरह हैं लगभग यहाँ पर आ चुके हैं और पहले से इनको जो लगाने का काम है वो शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो झूले हैं, बैठने की जो चेयर वगैरह यहाँ पर झूलों की है, उन पर रंग रोगन किया जा रहा है। और इधर भी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे झूले हैं। पहले यहाँ पर बूंदी का जो मेला था कजली तीज का, और भाई साहब यहाँ पर रंग रोगन करने में लगे हुए हैं। साथ में आप देखेंगे तो जो नाव बनती है वो नाव का स्ट्रक्चर यहाँ पर है फिलहाल। और इधर देखेंगे आप तो ये जो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े पिलर होते हैं और इन पर भी देखिए यहाँ पेंट वगैरह फ़िलहाल किया जा रहा है। और काफ़ी हेवी लोहा होता है तो इनको थोड़ा सा सावधानी से रखना पड़ता है। और अभी वैसे बारिश का समय है तो जंग वगैरह भी लग जाता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो कलर वगैरह है यहाँ पर झूलों पे किया जा रहा है। और जो झूले वगैरह हैं दूसरे मेलों से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं कुछ लोग। ये यहाँ पर कोटा दशहरा मेले का जो व्यू आप देख सकते हैं। इधर भी आप देखेंगे जो छोटे बच्चों की जो टॉय गाड़ी होती है यहाँ पर रखी हुई है। साथ में इधर भी मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारा जो इक्विपमेंट है झूलों का रखा हुआ है। और उधर मैं आपको दिखाऊँ तो उधर भी देखिए यहाँ पर जो झूले वगैरह हैं लगभग अभी यहाँ पर खोल लिए गए हैं और कुछ ही दिन बाद जो पूरा कोटा दशहरा मेला है यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इधर यहाँ पर पूरा इक्विपमेंट है बिखरा पड़ा है और इनको यहाँ पर जोड़ने की जो तैयारी है लगभग चल रही है। इधर भी आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप फिलहाल देख रहे हैं ये भी यहाँ पर नाव का स्ट्रक्चर है, नाव का जो फेस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इधर इन पर भी जो पेंट वगैरह है फिलहाल किया जा रहा है। और ये पूरा यहाँ पर ये जो परिसर है ये पूरा झूला मार्केट होता है। और यहाँ पर आप देखें नीचे ये नंबरिंग भी की हुई है तो इसी के आधार पर जो दुकानों का आवंटन वगैरह है, झूलों का आवंटन वगैरह ये किया जाता है। तो काफ़ी भव्य तरीके से इस बार का जो मेला है वो लगने वाला है, भरने वाला है। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो अभी सेटिंग चेयर है झूलों की
ये रखी हुई है और इन पे यहाँ पर पेंट किया हुआ है और अभी यहाँ पर ये सूखने के लिए रखी हुई है, क्योंकि जब अच्छी तरीके से पेंट वगैरह हो जाता है तो झूले काफ़ी आकर्षित लगते हैं। और ये पूरा यहाँ पर मेला परिसर है, उधर आप सामने देखेंगे तो फ़िलहाल वहाँ पर फ्री स्पेस है और कोई जो झूला वगैरह है फ़िलहाल वहाँ पर नहीं आया है। लेकिन ये जो पीछे का आप स्पेस देख रहे हैं सामने वाला, तो यहाँ पर जो बड़े झूले हैं डॉलर वाले वो झूले लगेंगे। और इधर आपको यहाँ पर जो पूरा चाट पकौड़ी का मार्केट है, फूड जोन है, वो यहाँ पर लगने वाला है। और फिलहाल यहाँ पर ये व्यू देख सकते हैं आप, कोटा दशहरा मेले का। तो दोस्तों ये था यहाँ पर कोटा दशहरा मेले का व्यू और किस तरीके से जो रावण फिलहाल अभी चल रहा है, बन रहा है, और साथ में जो झूले वगैरह हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी रेडी होकर के और तैयार होने में लगे हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।